हूँ पिनाकल वास्तु दिल्ली से और आज मैं आपसे बात करूंगी प्लैनेट राहु के बारे में। प्लैनेट राहु गवर्न करता है नंबर 4 को। कौन होते हैं 4 नंबर वाले लोग? वो लोग जिनका बर्थ किसी भी मंथ की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या फिर 31 तारीख को होता है। तो पहले तो समझते हैं कि राहु है क्या। मून के दो नोड्स होते हैं, साउथ नोड और नॉर्थ नोड। जब असेंडिंग ऑर्डर में नोड होता है तो यानी कि वो रिप्रेजेंट करता है राहु को। एक और माइथोलॉजिकल स्टोरी है, राहु और केतु एक ही बॉडी के दो पार्ट्स हैं। राहु रिप्रेजेंट करता है अपर बॉडी को, दैट मींस राहु के पास ब्रेन है। तो कैसे ट्रेड्स होंगे इन लोगों के? डेफिनेटली इन लोगों का माइंड बहुत शार्प होता है, बहुत ही शार्प माइंडेड होते हैं लोग। सोचने की शक्ति बहुत ही स्ट्रांग होती है इन लोगों की। रिसर्च में ये लोग बहुत अच्छा करते हैं, बट एट द सेम टाइम बिकॉज आधी बॉडी तो है नहीं ना, तो हमेशा डिससेटिस्फाइड रहते हैं, हमेशा इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, हमेशा डिसईज में रहते हैं ये लोग, जस्ट बिकॉज क्योंकि इनके पास आधी बॉडी है ही नहीं। बट रिसर्च में ये लोग आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये लोग बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बहुत ही डिसिप्लिन्ड लाइफ लीड करना इन लोगों को पसंद होता है। घर में चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हो, दे डोंट लाइक दैट। बहुत ही ऑर्डरली वे में हर चीज़ अपनी प्लेस पे हो, वो इन्हें अच्छा लगता है। ये लोग बहुत ही पंक्चुअल होते हैं एंड इन लोगों को अपने आप को प्रेजेंटेबल रखना, मेंटेन रखना बहुत अच्छा लगता है। राहु रिप्रेजेंट करता है टेक्नोलॉजी को, सो ये लोग बहुत ही टेक सैवी होते हैं और इन कहते हैं कि टेक्नोलॉजी शायद बनी ही इन लोगों के लिए है, राइट? एक और चीज़ डिस्कस करती हूँ इल्यूजन और फोकस के बारे में। जब इन लोगों का माइंड इल्यूजन में होता है तो ये लोग हर छोटी चीज़ को अपना टारगेट मान लेते हैं और बहुत चीज़ों पर मेहनत करते हैं, बट रिजल्ट नहीं मिलता बिकॉज फोकस्ड नहीं होता माइंड। बट जब इनका माइंड फोकस्ड होता है तो ये लोग एक चीज़ को फोकस मान के हार्डवर्क करते हैं और इनको हमेशा रिजल्ट बहुत फ्रूटफुल मिलता है और ये सक्सेस अचीव करते हैं। तो ऐसे लोग अगर फोकस्ड रहकर काम करें तो इन लोगों को सक्सेस लाइफ में ज़रूर मिलता है। इन लोगों का अप्रोच बहुत डिफरेंट होता है, तो इन लोगों को बहुत ही मिसअंडरस्टूड भी समझा जाता है सोसाइटी में। इन लोगों की अक्सर तौर पर देखा जाता है फैमिली मेम्बर्स से भी नहीं बनती, जस्ट बिकॉज और कोई रीज़न नहीं है, बट इनका थिंकिंग पैटर्न और इनका अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होता है। बहुत ही हटकर सोचते हैं ये लोग, ठीक है? और ये लोग बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं और दूसरे लोगों में अगर ऑनेस्टी होती है तो ये लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट भी बहुत करते हैं। अब बात करते हैं घर का कौन सा जोन रिलेट करता है राहु से। घर का साउथ वेस्ट रिलेट करता है हमारे राहु से। अगर किसी का भी 4 नंबर है, कोई भी 4 नंबर से गवर्न करता है, तो उसको अपने घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर को, साउथ वेस्ट जोन को बिल्कुल अलाइंड और बैलेंस रखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में मैंने आपसे बात करी थी देवों का स्थान होता है, तो नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से टॉयलेट नहीं होता, साउथ वेस्ट में भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए बिकॉज साउथ वेस्ट पितरों का स्थान माना जाता है, ठीक है? तो अपने घर के साउथ वेस्ट को अलाइंड रखेंगे तो आपका 4 नंबर एक्टिवेटेड रहेगा। और कुछ रेमेडीज की बात करते हैं। 4 नंबर को अगर आपने एक्टिवेट करना है, ये ट्रेड्स अगर आप में नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आप को ऑर्गेनाइज रखिए। जितना पंक्चुअल रहेंगे, ऑर्गेनाइज रखेंगे, आपका ये नंबर एक्टिवेटेड रहेगा। एंड राहु इज ऑल अबाउट योर ब्रेन। जितना अच्छा सोचेंगे, जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, आपका 4 नंबर एक्टिवेटेड रहेगा। कभी किसी के लिए बुरा मत सोचिए, हमेशा पॉजिटिविटी को फैलाइए, पॉजिटिविटी अपने माइंड में रखिए, आपका ये नंबर एक्टिवेटेड रहेगा। एंड वन मोर थिंग, गणेश जी की जितनी पूजा करेंगे उतना ही आपका नंबर एक्टिवेटेड रहेगा। एक्चुअली गणेश जी किस चीज़ का प्रतीक है? ध्यान और धारणा का। तो गणेश जी की पूजा अर्चना कीजिए, आपका नंबर एक्टिवेटेड रहेगा। कुछ नहीं कर सकते तो गणेश जी का लॉकेट अपने गले में पहन के रखिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे नंबर 5 के बारे में, जो कि रिप्रेजेंट करता है मरकरी को। धन्यवाद आज के लिए।